हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं एक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए, और काफ़ी अच्छे से आप उसका स्प्रे करके अगर यूज करते हैं उसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और वो फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट, ये देखिए, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। मार्केट में हमको ये एप्सम सॉल्ट के नाम से मिलता है, ये देखिए। ये आपको वाइट कलर का भी मिल जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर है, तो ये दो तरह से होता है, मतलब क्रिस्टल इसके ऐसे ही रहेंगे। और इसकी आधा चम्मच लेकर के एक लीटर पानी मिक्स करके आप अपने प्लांट में स्प्रे करते हैं ना, जैसे कि हिबिस्कस है, रोज प्लांट है, एडेनियम है, सब में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, एडेनियम की सीडलिंग में कर सकते हैं, यानी कि ऑल प्लांट्स जितने भी आपके पास प्लांट हैं बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। साथ में अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा फंगीसाइड या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स कर सकते हैं, तो या तो अलग अलग भी दे सकते हैं। अलग अलग देंगे तो आपको रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और काफ़ी टाइम के बाद मैं कर रही हूँ, तो मैंने इसी में थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिक्स कर लिया है। ये देखिए, मैंने घोल करके तैयार किया है ये लिक्विड, और मैंने यहाँ पे जो 8 लीटर की मेरी ये स्प्रेयर है इसमें मैंने भर के रखा है। तो इसकी मात्रा अगर आपको बता दूँ तो मैंने इस पर 2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिलाया है और 4 चम्मच के लगभग मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट मिलाया है। और इस तरह से देखिए लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि बार बार मेरे पास एक बार फंगीसाइड करूँ फिर इतना टाइम नहीं होता तो मैं लेट हो जाती हूँ। आप अलग अलग करेंगे तो भी आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भर लिया, तो अभी मैं एडेनियम से ही शुरुआत करती हूँ। आप थोड़ा जब मतलब छाया रहे गार्डन में, जैसे शाम का 4 बजे का जो समय होता है ना, सबसे बेस्ट होता है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग कर दीजिए, एकदम सुबह सुबह कर दीजिए, तो भी आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये मैं स्प्रे कर रही हूँ, और इसका जो रिजल्ट है आपको अच्छा मिलेगा देखने के लिए, काफ़ी अच्छा, खास करके ये परमानेंट प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। एडेनियम के लिए भी अच्छा है, एडेनियम में भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनमें भी आप कर सकते हैं, जैसे ही हिबिस्कस, रोज प्लांट, सब में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इस तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट में तो आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। और टाइम टू टाइम आप हर 15 दिन 20 दिन में, या 15 दिन 20 दिन में नहीं तो कम से कम 1-2 महीने में एक बार इसका स्प्रे जरूर किया करिए। 2 महीने में भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जैसे कि पत्तियां लाइट ग्रीन होने लगती हैं, क्योंकि कभी कभी तो आयरन की वजह से होती हैं, बाकी जो पत्तियां लाइट ग्रीन हो जाती हैं, मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है। तो इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो जाए, जैसे सागरिका है, या तो फिर बायोविटा है, या तो और भी कंपनियाँ बहुत सारी मिलती हैं, मुझे उतने सारे नाम नहीं पता हैं, तो आप देख लीजिए जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, और भी अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एडेनियम में कर दिया, बाकी इस फर्टिलाइज़र को आप अपने जो इंडोर प्लांट होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फंगीसाइड भी है और साथ में एप्सम सॉल्ट भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हल्की सी, मतलब क्या होता है, जो प्लांट धूप में रखे होते हैं उनमें ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, तो मेरे प्लांट तो इसमें फंगीसाइड है, इस वजह से मैं इसमें भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। एग्लोनियम भी देखिए मैं कर दे रही हूँ, कल मैंने यहाँ पे सारे एग्लोनियम इधर साइड पे शिफ्ट कर दिए हैं, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना करके स्टैंड को मैंने इस साइड से उठा करके इस साइड पे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने ग्राफ्टेड एडेनियम रखती थी ना, तो बिल्लियाँ चढ़ करके यहाँ से सीधा डायरेक्ट सीढ़ी में चढ़ती थी, तो उस वजह से मेरी ग्राफ्टिंग खराब हो जाती थी, तो ग्राफ्टिंग मैंने इधर रख दी सारे अभी जो मैंने न्यू ग्राफ्ट किए हैं, और इस साइड पर एग्लोनियम रख दिया। अब गिराएंगे यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं गिराएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ पर रखने का। तो ये देखिए इस तरह से आप इनमें भी इसको कर देंगे, तो इस समय मिलीबग का भी अटैक जैसे हो रहा है, कुछ फंगस भी लग रहा है, तो फंगीसाइड हमने डाला हुआ है, तो ये जो स्टेम है ना, इनके स्टेम में आप जरूर कर दीजिए, पत्तों पर करें या ना करें, पत्तों पर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी थोड़ा सा मैंने मिक्स किया हुआ है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज मैं सारे ही प्लांट में करने वाली हूँ, जहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप है वहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी, वहाँ पे मैं शाम को करूँगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे छाया है वहाँ वहाँ पर मैं अभी ही कर दूँगी सब में। तो ये देखिए इस तरह से जो इसके स्टेम है इनमें थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा है मिलीबग जैसा, तो ये वैसे मिलीबग में ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फंगस का तो दूर करेगा ही। तो ये देखिए इस तरह से,
तो ये देखिए जो मेरी एडेनियम की ग्राफ्टिंग जो सक्सेस हो गई थी उसमें मैं स्प्रे कर दूंगी और उसका भी रिजल्ट हमको देखने को मिल ही जाएगा थोड़े दिन में। बैठे चाहते जा सकते ना आप, छोटे छोटे सीडलिंग में भी कर सकते हैं, और ये गलती उनकी भी नहीं है। तो ये देखिए फर्टिलाइजर जो मैं आज स्प्रे कर रही हूँ सभी प्लांट में, जैसे कि हिबिस्कस है ऐसे प्लांट में बहुत जरूरी है करने। देखिए इनकी कंडीशन कैसी हो रखी है, और साथ में सीडलिंग में एडेनियम की सीडलिंग के लिए बहुत अच्छा है और हर प्लांट के लिए अच्छा है, मतलब किसी भी प्लांट में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो सीडलिंग की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको ज़रूर कीजिएगा, और सीडलिंग से वीड्स जरूर निकालते रहिएगा ताकि जो भी फर्टिलाइजर आप दें उसमें आपका जो प्लांट है ना काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। फिर नहीं तो सारा न्यूट्रिशन यही सब कर लेते हैं तो फिर प्लांट को उतना मिलता नहीं है। ये देखिए रोजेस, हिबिस्कस और भी जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं सीजनल, तो सीजनल में भी दे सकते हैं, लेकिन सीजनल प्लांट ऐसा मेरे पास अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो जितने भी प्लांट हैं सारे परमानेंट प्लांट ही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट है, तो महीने में एक बार तो कम से कम करिए ही करिए। मैं तो 4-5 महीने बाद कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट और इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैंने किया था मतलब 2 महीने पहले। तो इस तरह से अगर आप, तो इधर देखिए हिबिस्कस के प्लांट है जितने, इनमें भी आप कर देंगे ना तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाते हुए। तो बस फ्रेंड्स यही बताना था, और आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आप फंगिसाइड के स्प्रे अलग से कर दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग से कर दीजिए, और ये एप्सम सॉल्ट का अलग से कर दीजिए। लेकिन मैंने तीनों को मिक्स कर लिया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, और मैं आजकल करते करते काफ़ी लेट हो जाती है, तो मैंने तीनों को मिक्स करके एक साथ कर दिया है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा कि तीनों को मिक्स करने से कुछ रिएक्शन हो सकता है, बट फिर भी अगर आप अलग अलग करते हैं तो आपको रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और देखिए कितना प्यारा फूल खिला, ये वाला तोड़ ले। अरे फोटो खींचो ना पूरा एकदम।